जालौन के जिला अस्पताल उरई में सीएमएस डॉक्टर अविनाश बनोदा के दिशा निर्देशन में सीनियर मेडिकल चिकित्सकों की मौजूदगी में विश्व एड्स दिवस मनाया गया, जिसकी थीम भेदभाव की समाप्ति, एड्स की समाप्ति तथा महामारियों की समाप्ति रहा। इस दौरान जिला अस्पताल में सेहत सुविधाएं प्राप्त करने आए लोगों, गर्भवती महिलाओं और अस्पताल कर्मचारियों को HIV के बारे में जानकारी दी गई। CMS डॉक्टर अवनीश बनोदा ने इस बीमारी के लक्षण, बचाव और उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्या इसके पीछे का उद्देश्य रहा? विश्व एड्स दिवस हम लोग प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि एड्स जैसी जो बीमारी 1988 से ये प्रारंभ हुआ था, ये दिवस मनाना, और उस समय से लगातार हम लोग इसको मनाते चले आ रहे हैं। उद्देश्य ये होता है कि जो एड्स से ग्रसित मरीज हैं उनसे हम किसी प्रकार का भेदभाव न करें, क्योंकि ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। ये 3-4 सोर्सेज होते हैं जिससे ये मरीज को लगती है, जैसे दूषित ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाए मरीज को, या यौन संबंधी कोई क्रिया की जाए तो उससे हो जाता है, और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनको भी ये HIV वायरस ट्रांसमिशन से लग जाता है जल्दी। उद्देश्य यही है कि जो 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं उसमें जो एड्स से ग्रसित मरीज हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिनका देहांत हो चुका है, उनको याद किया जाए, नमन किया जाए और उनके परिवार को सपोर्ट किया जाए। सब ये कितनी गंभीर बीमारी है और इससे कैसे बचा जाए? ये गंभीरता को देखा जाए तो ये संक्रमण एक वायरस द्वारा होता है, HIV वायरस जिसको नाम दिया गया है। ये ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। ये इतना गंभीर है कि जान का खतरा इसमें थोड़ा विलंब से आता है, क्योंकि शुरुआत में अगर जिस दिन आपको इन्फेक्शन हुआ तो उससे 15-20 साल 25 साल तक आप जीवित रह सकते हैं, बनस्पत की आप उसका बचाव करके रहें, और जो सरकार द्वारा दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, उसको अवश्य रूप से अगर मरीज लेता है तो उसका सर्वाइवल 20-25 साल तक आराम से हो जाता है। और किसी प्रकार का कोई सोशल स्टिग्मा नहीं मानना चाहिए, जितने नॉर्मल सामान्य लोग हैं उनके साथ उन मरीजों को घुल मिलकर रहना चाहिए, यही अपेक्षित किया जाता है। इस दिवस पे यही हम लोगों को उद्देश्य दिया जाता है, लोगों को जनजागरण भी किया जाए कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कि कोई संपूर्ण इलाज नहीं है। तो इससे बचने के कुछ उपाय हैं? इससे बचने के लिए आप सरकार जो है सेफ सेक्स के बारे में बताती है कि यौन संबंध जो भी हैं वो बहुत अच्छे ढंग से किए जाएं, और केवल एक ही पार्टनर रखा जाए, जैसे पति पत्नी हैं तो केवल ये रिलेशन पति पत्नी में ही होने चाहिए, अन्य लोगों के साथ मल्टीपल सेक्स करोगे तो ये बीमारी होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और बीमार अवस्था में अगर रक्त छीणता होती है, खून की कमी आती है, तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको दिया जाए रोगी को, तो वो पूरी तरीके से टेस्ट कर लिया जाए, HIV टेस्टिंग करके कि वो निगेटिव